भाई और मैनो, क्या हाल चाल है यार। बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं। यार एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपने चैनल समझो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज, क्योंकि मुझे अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 दिन हो गए आखिरी वीडियो अपलोड किए हुए। बट आई हैव रीजन फॉर इट, मैं ट्रैवल कर रहा था। बेसिकली मेरा 5th सेमेस्टर NITT में भी स्टार्ट हो गया है। सो बहुत सारे लोग मुझे मेरे पिछले जो वीडियोज है, 7th राउंड डिबेकल, CSAB स्पेशल राउंड 2019, उन सब में मुझे कमेंट्स करके बता रहे थे कि दे वॉन्ट अ वीडियो फॉर द चॉइस फिलिंग, कि हम चॉइस फिलिंग कैसे करें, या चॉइस फिलिंग CSAB स्पेशल राउंड 2019 और जोसा काउंसलिंग 2019 की हम सेम अप्रोच से करें या फिर डिफरेंट अप्रोचेस करनी चाहिए दोनों की, क्या क्या कितनी सारी सीट्स बच गई है, क्या हम वो सब पता कर सकते हैं या नहीं, ये सब के बारे में आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं। सो सॉरी फॉर बीइंग लेट, बट काउंसलिंग का जो आपका चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर है CSAB स्पेशल राउंड 2019 का, वो आज 10 बजे चालू हो गया है। कल आपको शाम को आपको दे दिए गए थे जितने भी वैकेंट सीट्स बच गए हैं, यू नो वैकेंट सीट्स आफ्टर द 7th राउंड ऑफ काउंसलिंग, जितने भी लोगों ने वहां पे जाके एडमिशन लिया है, जितने भी सीट्स अभी जाके वैकेंट बच गए हैं, उन सब के लिए अभी CSAB स्पेशल राउंड 2019 होगा। मैं आपको कम से कम 10 बार बोल चुका हूँ, CSAB यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। बट तो भी बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज है कि यार CSAB की अप्रोच सेम रखे, दूसरा की अप्रोच सेम रखे, क्या करें, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल चॉइस फिलिंग आज से चालू हो गई है, परसों तक चलेगी, उसके बाद एक दिन बाद यानी कि आज 25th, 26th, 27th को आप 5 बजे तक अपनी चॉइस फिलिंग भर सकते हो CSAB के साइट पर। बहुत सारे लिंक्स वहां पे हैं, आराम से जाके देखो। ऑथेंटिसिटी फर्स्ट, मेंटेन ऑथेंटिसिटी, दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट, क्योंकि CSAB आपका दो चीजें कराते हैं, NEUT जो कि आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए होता है, और होता है मेन CSAB स्पेशल राउंड। हम सिर्फ CSAB मेन स्पेशल राउंड के बारे में आज बात कर रहे हैं। जिनको भी CSAB मेन CSAB का जो स्पेशल राउंड आना 2019 का, उसकी चॉइस फिलिंग आज चालू हो गई है, जल्दी से आके चेक करना इस वीडियो के बाद, वीडियो को आखिर तक देखो ताकि आपको पूरा चॉइस फिलिंग क्राइटेरिया समझ में आ सके, ठीक है। CSAB स्पेशल राउंड 2019 का चॉइस फिलिंग आज चालू होने गया है। सबसे पहले बात करते हैं जोसा की अप्रोच और CSAB की अप्रोच। जोसा की अप्रोच क्या थी, जितने चॉइसेस है सब ऊपर से नीचे लेके भर दो, लाइक फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी ऑलवेज द बेस्ट। अगर आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा छोड़ो, आपको पता नहीं मिलेगा तो भी भर दो, ठीक है। ये मेरी थी जोसा की अप्रोच। जोसा की अप्रोच में क्या था, आपको जो नहीं भी चाहिए आप तो भी सबसे नीचे वो भरो, लेकिन उसको भरो इन द वर्स्ट केस, ठीक है। तो जोसा में क्या था, मैं आपको रेकमेंड करता कि आप 300, 400, 500 जितने आप भर सकते हो आप आराम से भर दो। बट दिस इज नॉट समथिंग विच आई एम गोइंग टू रेकमेंड यू फॉर CSAB स्पेशल राउंड 2019। एक बात समझते हैं, जिनको अभी मैं आपको दो जगहों में कैटेगराइज कर रहा हूं, ठीक है। पहला कैटेगरी उनका है जिनको CSAB में आने के पहले उनको 7th राउंड तक कुछ ना कुछ मिल चुका है, वो वहां पे एडमिशन ले अभी चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी उनका है। जो सेकंड कैटेगरी है वो उनका है जिनको 7th राउंड काउंसलिंग तक कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है। तो आज हम आप दोनों के बारे में बात करने वाले, द फर्स्ट जिनको कुछ मिल चुका है 7th राउंड में, सेकंड जिनको अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी के बारे में। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कैटेगरी, अगर आपको जोसा में कुछ भी मिला है, आपका जो अप्रोच होना चाहिए जोसा काउंसलिंग के लिए और CSAB काउंसलिंग के लिए एकदम अलग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने जोसा काउंसलिंग में 300, 200, 400, 500, 600 चॉइसेस भरी है, मान लो आपको कुछ एक्स नंबर का चॉइस आपको मिल गया है, लेट दिस एक्स बी समथिंग लाइक, अज्यूम कर लेते 98, ठीक है। अब पहले जाके चेक करो कि कितने वैकेंट सीट्स बचे हैं उसमें, ठीक है। फिर अपना पोर्टल खोलो, पोर्टल आप जब खोलोगे CSAB का, आप जब लॉग इन करोगे उसमें और जब अपनी चॉइस फिलिंग करोगे, चॉइस फिलिंग के दौरान अगर आपको 98 का मिला है, 1 से लेकर 97 तक IITs को हटा के, रिमाइंडिंग यू CSAB स्पेशल 2019 इज ओनली फॉर द NIT+ सिस्टम। NIT+ सिस्टम ओनली इंक्लूड्स NITs, IIITs, GFTIs, ठीक है। NITs, IIITs, GFTIs ओनली कंस्टिट्यूट द NIT+ सिस्टम। तो 1 से लेके 97 तक, फॉर एग्जाम्पल आपको एक एक्स नंबर के चॉइस मिली है, ठीक है, 1 से लेके x-1 चॉइस को वैसे भर दो सारे IITs को हटा के। दिस इज द बेस्ट अप्रोच फॉर CSAB स्पेशल राउंड 2019। इस बात को एकदम दिमाग में घुसा लो, क्योंकि ये जो चीज है ये बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं करते, लोग जोसा काउंसलिंग जैसे भर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको एक एक्स नंबर की चॉइस की आपकी चीज मिली हुई थी जोसा काउंसलिंग में, बट आपने CSAB में वो सारे चॉइसेस भर दिए। अब सोचो आपको उससे भी गया गुजरा चीज मिल गया जो आपको नहीं चाहिए था, क्योंकि आप पहले ही उससे अच्छा एक चीज डिजर्व करते थे जो आपको मिल चुका है जोसा काउंसलिंग में,
और सोचो सीएसए में आपको उससे गन्ना मिला, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा उसके बाद, आपको वो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपको सीट मिला जोसा में अपने सीएसए पार्टिसिपेट किया, आपको कोई और सीट मिल गई, आपको वो छोड़ना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा उसके बाद। ठीक है, आपकी जोसा की सीट गई, अब उसमें किसी और का काउंसिलिंग होगा। ठीक है, दो राउंड होने वाले बेसिकली। आप जोसा और सीएसए भी कैसे अलग है एक बार ये भी बता देता हूं। जोसा आपके पास क्या क्या ऑप्शन थे, फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट। ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट। सरेंडर करना सीट फर्स्ट अलॉटमेंट के बाद, आप सरेंडर कर सकते हो। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप सरेंडर करने के बाद पार्टिसिपेट करना चाहते हो सेकंड राउंड में या नहीं। सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट करोगे, वेल एंड गुड, नहीं करोगे उसका भी प्रोविजन आपके पास। ठीक है, और आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपको नहीं मिला है तो आपको अगले में पार्टिसिपेट करना है या फिर नहीं करना, आप ये भी देख सकते हो। ठीक है, सो सीएसएबी इज प्रोवाइडिंग यू विद अ लॉट मोर ऑप्शंस एज कंपेयर्ड टू जोसा। जोसा में क्या था, स्लाइड, फ्लोट, फ्रीज। यहाँ पे क्या है, स्लाइड, फ्लोट, फ्रीज, सरेंडर इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड वो भी है, सेकंड राउंड पार्टिसिपेट नहीं करना है वो भी है, अभी कुछ नहीं मिला है हट जाना है वो भी आपके पास। सो सीएसएबी इज प्रोवाइडिंग यू विद अ लॉट नंबर ऑफ ऑप्शंस। अब हम बात करने वाले हैं जो सेकंड कैटेगरी के लोग थे। सेकंड कैटेगरी के लोग में वो लोग आते हैं जिनको अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है, आपने पहले जितने प्रेफरेंसेस भरे होंगे वहां पे, आप एक बार जाके देखो, 200, 300, 400 जितने भरे होंगे आपको प्रोवाइडेड नहीं मिला हो। ठीक है, व्हाट आई वुड सजेस्ट यू, आपकी जो जोसा काउंसलिंग की जो अप्रोच है और जो सीएसएबी की अप्रोच है एकदम मर्ज कर दो, सेम है, एकदम सेम है, क्योंकि आपके पास कुछ हारने को है नहीं, क्योंकि आपको अभी तक कुछ मिला नहीं है। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस्करेज यू बाई एनी मीन्स, बट स्टिल दिस इज रियलिटी, आपको अभी तक कुछ मिला नहीं है कि आप उस पर बैंक इन कर सको, आप उस पर कैश इन कर सको। ठीक है, आपके पास कुछ हारने को नहीं है, इसीलिए आई एम टेलिंग यू, जितनी सारी चीजें आपको पहले मिली हुई थी, फॉर एग्जाम्पल आपने 300 चॉइसेस भरे थे, 400 चॉइसेस भरे थे, सारे चॉइसेस एक बार और भर दो, सारे आईआईटी प्लस सिस्टम को हटा के, लाइक आईआईटी को छोड़ के, एनआईटी, सीबीएसई, जीएफटी जितने हैं सारे एक बार और भर दो। सारे एक बार और भरने से क्या होगा कि अगर आपको इस बार कुछ मिल रहा होगा, फर्स्ट अलॉटमेंट आपको कुछ मिला उसको ले लो, सेकंड अलॉटमेंट के बाद कुछ मिला वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे आ जाएगा, प्रोवाइडेड आप वहां पे सरेंडर नहीं कर रहे हो, फिर कुछ और नहीं कर रहे हो, अगर आप हट नहीं जा रहे हो काउंसलिंग से। सो दिस हैज टू बी वन थिंग। ठीक है, फर्स्ट लोग, फर्स्ट जो कैटेगरी थे जिनको कुछ मिला सेवंथ राउंड में, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, आखिरी बार आराम से सुन लो, फर्स्ट कैटेगरी में जिनको कुछ मिला था सेवंथ राउंड के बाद जोसा काउंसलिंग के, उनकी अप्रोच अलग है सीएसएबी से। जो सेकंड कैटेगरी में आते हैं जिनको कुछ नहीं मिला था, उनकी एकदम जोसा काउंसलिंग वाली अप्रोच रहने वाली है। ठीक है, ये बात होगी हमारे काउंसलिंग अप्रोचेस की। ठीक है, अब हम बात करने वाले रिपोर्टिंग के। बहुत से लोगों को रिपोर्टिंग में दिक्कत आ रही है कि क्या पता हम रिपोर्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे उतने नोटिस के बाद। ठीक है, आज 25 तारीख के 27 तारीख तक आपका चॉइस फिलिंग खत्म हो जाएगा, 27 तारीख को 5 बजे तक इज द डेडलाइन टू फिल योर चॉइस फिलिंग फॉर सीएसएबी स्पेशल राउंड 2019, सो कीप दैट इन माइंड, और जितना जल्दी हो सके टेक दैट मूव एंड स्टार्ट बिल्डिंग ऑन इट। ठीक है, अगर आपको सीएसएबी स्पेशल राउंड 2019 लेकर कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, सो आई एम एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट ऑन द बोलो ऐप। द बोलो एप्लीकेशन गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म टू इंटरैक्ट विद वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ करियर काउंसलिंग, जेई, फैशन, फिटनेस एंड वॉट नॉट। सो आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, काइंडली चेक इट आउट, एक बार अच्छे से देखो एंड बुक अ सेशन विद मी ऑन द बोलो ऐप। ठीक है, ये बात होगी बोलो ऐप की, बट बोलो ऐप के बाद हम बात करने वाले की रिपोर्टिंग की। कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, बोलो ऐप में मैसेज करो, काउंसलिंग करो, एंड आई एम टेलिंग यू दैट विल बी वर्थ इट। ठीक है, बहुत से लोग पूछ रहे थे ऑनलाइन रिपोर्टिंग क्या आप, या मैंने ऑनलाइन रिपोर्टिंग स्पेसिफिकली क्लियरली बता दिया था आपको मेरे सीएसएबी स्पेशल राउंड 2019 के वीडियो के बारे में। यार 9,700 लोग देख चुके हैं, आप तो अब देख लो, अगर नहीं देखा है मैं लिंक दे दूं डिस्क्रिप्शन में, आराम से देख लेना। बट रेफरिंग टू द फैक्ट, आपको एक बार बहुत ही ज्यादा क्लियरली, ठीक है, बिजनेस रूल जो सीएसएबी के साइट में है आराम से पढ़ो। ठीक है, सीएसएबी के साइट में आपके पास बिजनेस रूल्स है, उसको एक बार आराम से पढ़ लो, और पढ़ने के बाद, ठीक है, उस चीज को समझो, पढ़ने के बाद उस चीज को समझो कि क्या कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, फर्स्ट राउंड के बाद आपको कोई कॉलेज नहीं जाना है, अगर आपको कोई भी मिला है NITT सूरत, NITT, वारंगल, IIIT, श्रीरंगम, IIIT, IIIT रायचूर, IIIT कोटा, कुछ भी मिला हो आपको, ठीक है, आपको अभी कहीं नहीं जाना है। फर्स्ट राउंड के बाद आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग होता है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में मैंने पहले बता चुके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि मैंने उस वीडियो में बात किया है, एक बार जाके उसको रेफर करो। ठीक है,
तो बेसिकली वो बात थी हमारी ऑनलाइन रिपोर्टिंग की। फर्स्ट राउंड के बाद आपको सिर्फ ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना, नो नीड टू रिपोर्ट एट द एलोकेटेड इंस्टीट्यूट, ठीक है। आप सेकेंड राउंड के बाद आपको इन पर्सन आपको वहां जाके एडमिशन लेना है। सो टू क्लियर द एयर, फर्स्ट राउंड के बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सेकेंड राउंड के बाद आपको इन पर्सन उस एलोकेटेड इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन लेना है। आई होप दिस इज क्लियर इनफ टू सर्व द पर्पज, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनीटाइम, मैंने अपना ईमेल आईडी भी देकर रखा है, बोलो ऐप पे भी आप मेरे साथ बुकिंग कर सकते हो। बट स्टिल सीएसएबी कोई बच्चे का खेल नहीं है, आई एम रिपीटेडली टेलिंग यू वंस अगेन, सीएसएबी का अप्रोच अलग, जोसा अलग, कोरिलेशन है नहीं। सीएसएबी जस्ट ट्राइंग टू फिल वॉट एवर जोसा, जितनी भी सीट थी वो एम्प्टी बच गई है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हो आखिरी तक, सबसे पहले जाके सीएसएबी की साइट खोलो csab.nic.in, उसमें जाके पहले बिजनेस रूल्स चेक करो, जो वैकेंसीज बच गई है आपके सेवेंथ राउंड के सीट एक्सेप्टेंस के बाद उसको चेक करो, और फिर सीएसएबी में लॉगिन करके सारे प्रेफरेंसेस एक बार और भर दो, ठीक है। तो आई थिंक आई हैव क्लियर्ड मोस्ट ऑफ द डाउट्स व्हिच ऑल ऑफ यू हैड। तो अब समय आ गया आप सर्वे लेने का, अलविदा।